everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. तो आज हम टेंस को ही क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं. कल हमने कौन सा टेंस देख लिया था? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको बोलते हैं, वो हमने कल कंप्लीट कर लिया था. क्या पढ़ा था उसमें हम? उसमें सिंपली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, जो भी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, जिसमें एस या ईएस लगा होता है, उन्हें क्या करते हैं, यूज करते हैं. और अगर सेंटेंस नेगेटिव और इंटरोगेटिव होता था तो हम कौन सा फॉर्म यूज करते थे वर्ब का? डू एंड डज एज एन हेल्पिंग वर्ब. एंड मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता था? फर्स्ट फॉर्म. आज हम देखने वाले हैं, एंड कुछ इंडिकेटिंग वर्ड्स भी थे, वो आपको क्या करने हैं, सबको याद करने हैं. सारे टेंस में ज़्यादातर में इंडिकेटिंग वर्ड्स होते हैं, उनके बेस्ड पर हम टेंस को पहचान सकते हैं. आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कंटिन्यू, यदि कोई एक्शन कंटिन्यू हो रहा है. तो कंटिन्यूस की बात है तो कौन कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होगी? हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम एंड आर, एंड मेन वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी. तो एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ. ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब है इज एंड मेन वर्ब है प्लेइंग. मेन वर्ब में क्या लगा है? आईएनजी. तो ये क्या हुआ? कंटिन्यूस क्रिकेट नाउ. ये तो क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट. ही इज स्लीपिंग इज हेल्पिंग वर्ब. स्लीपिंग क्या है? मेन वर्ब. दे आर डांसिंग. दे आर डांसिंग. दे आर, आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब. अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ही सिंगुलर. तो वर्ब भी कैसा यूज हुआ है? सिंगुलर. अगर सब्जेक्ट हमारा कैसा है? प्लूरल. तो वर्ब भी कैसा यूज होगा? प्लूरल वर्ब. एंड डांसिंग इज मेन वर्ब. अगर यहाँ पर आई होता तो हम क्या यूज करते? एम, आई एम. क्लियर है इतना? नाउ इंडिकेटिंग वर्ड्स. अब कुछ इंडिकेटिंग वर्ड्स होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के, जो कि क्या होते हैं, अगर सेंटेंस में आपको क्या मिले? नाउ, स्टिल, टुडे, टुनाइट, इन दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ आर डेज, या फिर करेंटली. ये सारे वर्ड्स अगर आपको सेंटेंस में दिखते हैं, अब आपको ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे. आप जैसे ही प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये आपके माइंड में क्या हो जाएंगे? सारे वर्ड सेट हो जाएंगे. डेली आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इन वर्ड्स को याद कर सकते हो. तो अभी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं. ही इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ. ही इज प्लेइंग इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग हमारा मेन वर्ब है. तो कौन सा टेंस लगा हुआ है यहाँ पर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. अगर हमें इसे पहचानना है तो देखो, सेंटेंस में नाउ गिवन है और हमने इंडिकेटिंग वर्ड्स भी पढ़ा था जिसमें क्या गिवन था? नाउ. तो सेंटेंस में अगर नाउ गिवन है तो वो कैसा होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. ही यूजुअली ड्राइव्स वेरी फास्ट. ही ड्राइव्स. अब यहाँ देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा है. ही के लिए क्या लगा है? ड्राइव्स. वी फाइव लगा है क्योंकि यहाँ देखो, यूजुअली जो इंडिकेटिंग वर्ड है वो हमने किस में पढ़ा था? प्रेजेंट सिंपल में. ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, डेली, ऑफन, समटाइम, ये हमने कहाँ देखे थे? प्रेजेंट सिंपल में. तो यहाँ क्या लगा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस. ही यूजुअली ड्राइव्स वेरी फास्ट बट टुडे ड्राइविंग स्लो. बट टुडे ड्राइविंग स्लो. अब देखो यहाँ पर क्या है इंडिकेटिंग वर्ड? टुडे. यहाँ भी क्या लगा है? टुडे. ड्राइविंग स्लो. तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म यूज हुआ है? आईएनजी फॉर्म. वी आर गोइंग टू दिल्ली टुनाइट. वी आर गोइंग. वी हमारा क्या है? सब्जेक्ट. प्लूरल है. तो वर्ब भी कैसा यूज हुआ है? प्लूरल. एंड मेन वर्ब में क्या लगा है? आईएनजी. टू दिल्ली टुनाइट. टुनाइट इंडिकेटिंग वर्ड जो होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही होता है. देखो यहाँ पर गिवन है टुनाइट. तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारा यहाँ पर होगा. क्लियर है इतना सभी को? तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिर्फ इतना था, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता था? आईएनजी फॉर्म. एंड हेल्पिंग वर्ब इज एंड एंड आर, इज, एम एंड आर. एंड कुछ इंडिकेटिंग वर्ड्स होते हैं जो आपको याद करने हैं. अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. परफेक्ट का मतलब हुआ, तो इसका मतलब है हैज, हैव और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. अगर ये आपको सेंटेंस में मिलेगा तो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म. हैज और हैव हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे.
अगर सिंगुलर है तो हैज एंड प्लूरल है तो हैव। और आई के साथ भी क्या लगता है? हैव। आई हैव ईटन एन एप्पल, सॉरी आई हैव ईटन एन एप्पल। हैव है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है ईट एट एंड ईटन, दिस इज द थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट है आई हैव हैड एन एप्पल। हैड क्या होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का मैंने आपको v1 v2 v3 v4 एंड v5 जो हमारा वर्ब का टॉपिक हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था। देखो एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। v5 होता है has एंड v1 होता है हमारा have, has, have एंड v2 had एंड v3 also had। अगर मैंने इसमें ing लगा दिया तो क्या बन जाएगा ये having। क्लियर है इतना? has, have एंड had। हेड सेकेंड भी होता है एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है। तो यहाँ पर एज ए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है तो ये कौन सा टेंस हुआ हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव डन माई वर्क, हैव थर्ड आया है। शी हैज गॉन टू द मार्केट, हैज एंड गॉन। शी हैज लगा है एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये हमारा कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इतना क्लियर है सभी को? अब इसके कुछ इंडिकेटिंग वर्ड्स है, क्या क्या है? ऑलरेडी, जस्ट, हियर, रिसेंटली, लेटली, एवर, नेवर, सो फार, सिंस, जस्ट नाउ, टिल नाउ एंड एज येट। ये सारे इंडिकेटिंग वर्ड किसके होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब एग्जांपल में हम देखते हैं, द बॉस हैज ऑलरेडी गॉन टू जयपुर। देखो हैज लगा है एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर गिवन है, दिस इज हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज मेन वर्ब। हम और कैसे पहचान सकते हैं इसको? यहाँ पर लगा है इंडिकेटिंग वर्ड ऑलरेडी, यहाँ भी गिवन है ऑलरेडी। आई हैव नेवर सीन द ताज महल, हैव है, आई के साथ हैव लगेगा एंड सीन क्या होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। इंडिकेटिंग वर्ड क्या गिवन है? नेवर। यहाँ हमने देखे थे एवर एंड नेवर किसके होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। द वर्क हैज नॉट कम्प्लीटेड येट, द वर्क नेगेटिव सेंटेंस है, has given है and verb का थर्ड फॉर्म completed and indicating word कौन सा given है? yet। I hope सभी को ये दोनों टेंस अभी तक जो मैंने पढ़ाए हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हमारा लास्ट है present perfect continuous tense। अब हम कौन सा टेंस देखने वाले हैं? present perfect continuous tense, जो कि present का जो हमारा हर टेंस के कितने सब टाइप होते हैं? 4। तो ये हमारा फोर्थ जो सब टाइप है प्रेजेंट टेंस का वो हम देख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखो इसमें परफेक्ट भी गिवन है एंड कॉन्टिन्यूस भी गिवन है। परफेक्ट गिवन है तो हैज एंड हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि बीन होता है, बी एंड बीन हमने पढ़ा था, दिस इज फर्स्ट फॉर्म एंड दिस इज थर्ड फॉर्म। एंड कॉन्टिन्यूस है तो क्या लगा दिया हमने? ing। और सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा? सिंस एंड फोर। ये कंपलसरी नहीं है कि सिंस एंड फोर आपको मिलेगा, मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि हमारा सेंटेंस किस तरह का है। सिंस और फोर हमको कब नहीं मिलता है? जब सेंटेंस क्या हो, पास्ट से शुरू हुआ हो और वो प्रेजेंट में भी क्या हो, कॉन्टिन्यूस। तो हम सिंस और फोर वहाँ पर लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, दे हैव बीन प्लेइंग इन दिस ग्राउंड सिंस 2010। देखो अच्छा, ये सेंटेंस देखने से पहले आप सिंस ऑफ फोर देख लो एक बार। सिंस जो होता है वो किसके लिए यूज होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे आपको कोई पर्टिकुलर टाइम दे रखा हो, आपको पता हो उस टाइम को, अगर गिवन है सेंटेंस में आपको पता चल रहा हो कि वो कौन सा टाइम है, कौन सा डेट है, कौन सा डे है, कौन सा मंथ है, तो वहाँ क्या आएगा? सिंस। और अगर एक रैंडमली दिया हो जैसे फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, तो वहाँ हम क्या यूज करने वाले हैं? पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। दे हैव बीन प्लेइंग इन दिस ग्राउंड सिंस 2010। देखो दे हैव बीन प्लेइंग, सिंस लगा है और 2010 मतलब हमें पर्टिकुलर एक टाइम गिवन है। यहाँ कौन सा टेंस लगा है? हैव बीन एंड आईएनजी। सही है। ही हैज बीन द सीईओ ऑफ द कंपनी फॉर 4 मंथ्स। 4 मंथ्स कौन से हैं आपको क्लियर नहीं है इसलिए क्या लगा है? 4। एंड यहाँ क्या लगा है? ही हैज बीन
द सीईओ ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पर हैज और वर्ब का क्या लगा है, थर्ड फॉर्म, आईएनजी नहीं गिवन है। तो देखो जो सेंस ऑफ फोर होता है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ही हैज बीन वर्किंग एज अ कारपेंटर फॉर 5 ईयर, फोर लगा है, 5 ईयर है, एंड हैज बीन वर्किंग। हैज एंड हैव में से कुछ लगेगा, ही के साथ हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन एंड आईएनजी फॉर्म, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हमारा प्रेजेंट टेंस यहीं पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूले। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।